गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज मैं आपको डबल बिशप का मेट बताऊंगा एंड गेम में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये माइनर एक्चुअली में डबल बिशप माइनर पीस है। माइनर पीस बिशप और नाइट होता है और स्ट्रॉन्गर पीस रुक और क्वीन होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप देखिए, जनरली डबल बिशप बिशप से मेट करना इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये समझाऊंगा कि आपको कैसे बिशप और डबल बिशप और किंग से आप अपोनेंट का किंग को मेट कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, पहले आप अपना किंग को डेवलप करें। मैं बताता हूँ, मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ कि विदाउट किंग आप मेट नहीं कर सकते। तो अपना किंग को डेवलप करें और साथ भी आपको दोनों डायगनल से किंग का अपोनेंट किंग का स्क्वायर और फाइल सब रोकना है, उसका एरिया कम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसका किंग D6 पर गया, फिर उसके बाद आप डायगनली अपना लाइट स्क्वायर बिशप से किंग बिशप G2 पे जाके आप उसका डायगनल रोके। लेकिन वो पूरा कोशिश करेगा कि वो आपके कंट्रोल में ना आए। फिर उसके बाद वो किंग E6 पे आया, तो फिर आप उसका डायगनल रोके। बिशप H2 पे देखिए, उसका स्पेस बहुत कम हो गया है। अब इधर देखिए, बिशप G2 और बिशप H2 पे देखिए, दोनों डायगनल पे कंट्रोल होने के बाद उसका स्पेस कितना कम हो गया है। फिर उसके बाद अब वो किंग D7 आया, क्योंकि वो प्रेशर, मैंने कहा ही है कि विदाउट आप किंग उसे मेट नहीं कर सकते हैं। तो अब ग्रेजुअली अपना किंग को डेवलप करना होगा। किंग C3 पे करें। देखिए, वो सबसे लास्ट रैंक पहुंच गया है, वो इसी लास्ट रैंक के कॉर्नर में वो मेट होगा। एज में ही जाके वो मेट होगा। ऐसे वो कभी भी वो एज में ही मेट होगा, सेंटर में कभी भी मेट नहीं होगा। तो आपका मोटो ये रहेगा कि ग्रेजुअली उसको एज में लेके जाए, कॉर्नर में लेके जाए। फिर देखिए, फिर से मैंने बिशप H3 करके उसको कंट्रोल किया। फिर यहाँ मैंने उसे और उसका स्पेस कम किया, बिशप E5 जाके और स्पेस कम कर दिया उसका, अपोनेंट का। फिर मैंने बिशप F5 जाके यहाँ पे स्पेस कम किया। अब देखिए, किंग पूरा कंट्रोल में है और वो ज़्यादा स्क्वायर उसके पास, ज़्यादा रैंक स्क्वायर, ज़्यादा स्पेस उसके पास नहीं है। आप जितना ज़्यादा उसका स्पेस कवर करेंगे, आप उसको उतना जल्दी मेट कर पाएंगे। अब किंग से ग्रेजुअली उसको डेवलप करें। किंग D8 देखिए, वो वहीं जा रहा है। अब किंग C5 देखिए, मैं अपना किंग को धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ। किंग E8, किंग D5, और एक बात, मेट तभी होगा जब किंग के डायरेक्ट ऑपोजिशन में रहेगा और भी कॉर्नर में। फिर देखिए वो होगा, देखिए उसी के लिए मैंने फिर उसका स्पेस कम किया। आपको वेटिंग मूव भी देना है। फिर देखिए, किंग B D6 किया, यहाँ स्पेस उसका बहुत कम है, इसीलिए मैंने पहले, अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको देखना है, नहीं तो स्टिल मेट हो जाएगा। किंग D2 पे गया, फिर मैंने किंग E5 किया। अब यहाँ से उसका और भी ज़्यादा स्क्वायर को कंट्रोल करना है। तो स्क्वायर को कंट्रोल करने के लिए क्या है, अब आपको सबसे पहले उसका, तो सबसे पहले मैंने किंग को अपना डेवलप कर लिया कि मेरे को इस कॉर्नर में, मैंने थिंक कर लिया है कि मेरे को आपको G6 का कॉर्नर में ले जाके किंग को मेट करना है। अब यहाँ से मैं उसका फाइल को कंट्रोल करूँगा।
तो यहाँ पे मैंने उसके एक वेटिंग मूव दिया है, अगर मैं ये डायगनल छोड़ता हूँ तो यहाँ से वो आउटफ्लैंक करके भाग जाएगा। तो हमको ये भी कंट्रोल करना है, तो इसीलिए हमको एक वेटिंग मूव देना होगा। तो मैंने उसे किंग F5 वेटिंग मूव दिया। अब मैं उसका D8 का फाइल को D8 का स्क्वायर को कंट्रोल करूंगा। देखिए बिशप 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 C7 करके अब मैंने उसका इस फाइल स्क्वायर को कंट्रोल कर दिया। अब उसे फोर्स है कि वो डायरेक्ट किंग F8 ही जाए, क्योंकि उसके पास अब मूव नहीं है। अब वो दोबारा किंग E8 पे नहीं आए, उसके लिए मैं फिर से बिशप D7 करके उसको उस फाइल को भी कंट्रोल किया। अब यहाँ पे उसके पास एक फोर्स मूव है किंग G8। यहाँ G8 जाने के बाद अब यहाँ पे आपको उसके डायरेक्ट जाना पड़ेगा G6। अगर आप G6 नहीं जाएंगे तो वो भाग सकता है, किंग भाग सकता है, उसको फिर आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैं किंग G6 पे गया। अब वो कंट्रोल हो गया है। अब यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन है, या तो किंग F8 पे जाए या तो किंग H8 पे जाए। अगर F8 पे जाता है तो ग्रेजुअली मैं उसको सिंपली मार दूंगा, तो वो किंग H8 पे गया। यहाँ पे आपको एक फिर बेटिंग मूव देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो स्टील मेट हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे एक बेटिंग मूव फिर से दिया, किंग बिशप D6। तो उसे फोर्सली किंग G8 रखना पड़ा, किंग जी एट रखना पड़ा। अब सिंपली मैं किंग बिशप E6 चेक दिया। अब उसे ग्रेजुअली किंग एच एट जाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं इसे मेट कर दूंगा बिशप E5 से। हमेशा किंग कॉर्नर में ही मेट होगा, और इसी टाइप का पोजीशन रहेगा मेट करने का, या आपको एच पे ही मेट करना है। और ये सबसे इजी वे है उसका मेट करने का। और एक तरीका है मेट करने का, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें भी आप हमेशा ये जान के रखिएगा कि हमेशा किंग कॉर्नर एज पॉइंट में ही मेट होगा, और डायगनली डायरेक्ट ऑपोजिशन किंग का डायरेक्ट ऑपोजिशन रहेगा, या फिर वो इसी टाइप से मेट करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।